पुलिस से बचने के लिए भागने वाला विकास दुबे जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में गिरफ्तार हुआ तो उस वक्त भी उसकी दबंग वाली अकड़ कम नहीं हुई। मैं विकास दुबे हूं, कैंसर वाला। विकास दुबे ने 7 दिन पहले अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध किया था। उस अपराध की कहानी आपको समझाने के लिए फ्लैशबैक में ले जाते हैं। दो जुलाई की रात जब कानपुर पुलिस की टीम कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो उसने पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला कर दिया। पुलिस वालों की हत्या करने के लिए विकास दुबे ने बाकायदा प्लानिंग की थी। हमला करने के बाद पुलिस वाले भाग न पाए और ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले मारे जाए, इसके लिए उसने रास्ते में जेसीबी मशीन का अवरोध खड़ा कर दिया था। विकास दुबे और उसके 14 से 15 साथियों ने मिलकर पुलिस वालों पर घर की छतों से गोलियां बरसाई, जिसमें डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस जवान शहीद हो गए। विकास दुबे 90 के दशक में छोटी मोटी मारपीट के मामले में जेल जाता था और छूटकर चला आता था। उस वक्त ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब विकास दुबे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर बन जाएगा। जमीन कब्जा, रंगदारी, फिरौती, लूट, हत्या उसके हिस्ट्री शीट में शामिल हो चुकी है। लेकिन 2 और 3 जुलाई की रात में विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। चौबेपुर के बिकरू गांव का विकास दुबे 90 के दशक में छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं में लिप्त था। तब वो या तो छोटी मोटी लूटपाट करता था या फिर मारपीट। उस वक्त पुलिस उसे गिरफ्तार करती लेकिन छोड़ देती। जेल से छुड़वाने के लिए नेताओं तक के फोन आते थे और वो आसानी से बाहर आ जाता। इसके बाद तो उसके मन में पुलिस का खौफ ही खत्म हो गया। वो जमीन पर अवैध कब्जा करने लगा। वर्ष 2000 में पहली बार उसने कॉलेज स्टाफ सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की। वर्ष 2001 में उसने दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की। वर्ष 2004 में केबल कारोबारी की हत्या कर दी। इन हत्याओं में वो जेल जाता था लेकिन आसानी से बाहर आ जाता। विकास दुबे सालों तक राजनीतिक संरक्षण में रंगदारी और प्रोटेक्शन मनी की वसूली करता रहा। यहां तक कि वो सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर कमीशन भी लेता था। अपराध की दुनिया में विकास दुबे ने जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाए, कानून का डर उसके मन से निकलता चला गया। अब यूपी के सबसे बड़े अपराधी विकास दुबे के गुनाहों के हिसाब का समय आ चुका है। चौबेपुर के बिकरू गांव से विशाल पांडे के साथ अमित प्रकाश की रिपोर्ट, जी मीडिया।